I heard, I mean, though it's not right to say that. I mean, वो uh, confidentiality clause, confidentiality वाला clause है. Uh, MCQs disclose नहीं हो सकते पर WhatsApp पे तो चलते रहते हैं, Facebook पे चलते रहते हैं. So I do. I mean, keep on getting MCQs. मतलब तो तो कल रात को my inbox was full. WhatsApp पे I got close to 100. तो मैंने जब वो one liner देखे यार तो बहुत straightforward हैं. फ्रेंकली स्पीकिंग, और आप सब भी इतनी कैपेसिटी है कि आप उनको आपके हार्डवर्क के बेसिस प्रेशर रह स्टडी कर लेता है और अपनी नर्व को रखता है तभी यार रैंक डिसाइड होती है सो इट इज ऑल अबाउट जो लास्ट पे एक महीना ना वो सबसे क्रिटिकल होता है पढ़ाई तो यार सभी करते हैं लेकिन जो हार्डवर्क है वो लास्ट वन मंथ का डिसाइड करता है कि आपने कितनी रिविजन करी है और कितने एफर्ट्स डाले खैर ये तो प्रीचिंग वाला पार्ट हो जाता तो आई कैन कंटिन्यू विद प्रीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ईईजी बिकॉज देखिए ईईजी पे क्वेश्चन इस बारी पिक्चर एमसीक्यू सिर्फ एक ही आया था एम्स में और नीट में भी अगेन द सेम थिंग हैपन के आपको हो सकता है कि ईईजी का वन एम सी क्यू माइट बी पुट So what I did was I made a couple of students, some of them are sitting here also. I made everybody draw EEG ki figure because most people were not remembering. But on basis of feedback from at least 10 to 15 students, I can say final conclusion was the EEG that I've drawn before you. So I myself sat down and drew, drew it. Uh, now if you look at this particular EEG, uh, I would like to highlight the fact that uh, if you look at this rhythm, if you look at the rhythm and then compare with these uh, spikes which are present here.

लेडी हेज डेवलप ब्रेथलेसनेस अल्टीकेरिया वन आवर आफ्टर ओनली कॉन्ट्रोवर्सी कैन बी की वन आवर या मे बी सिक्स आवर्स हो सकता है बाद में पेशेंट को हेड एक के लिए पेशेंट ने एनसेड लिया एंड पेशेंट इज डेवलपिंग ऑल दीज सिम्स नाउ इफ यूक एट द फर्स्ट वर्ड ब्रेथलेसनेस एकेज वैन आई रीड द वर्ड एनसेड एंड वेन आई रीड दर्ड ब्रेथलेसनेस दर्स्ट थिंग टू माई माइंड इज यू सी एस्प्रिन का पता परचेज करते हैं उस पर लिखा होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थेमेटिक्स ड्रग इंडस्थमा तो ब्रेथलेसनेस वर्ड पढ़ के मेरा फर्स्ट इंप्रेशन हुआ है यार एमसीक्यू होगा शायद ड्रग इंड एस्थमा का पेशेंट को एस्परिन सेंसिटिव पेशेंट है और उसको एस्थमा है हो रहा है लेकिन फिर जब मैंने आगे पढ़ा यार यारोराइटिस भी लिखा हुआ है अर्टिकेरिया भी लिखा हुआ है तो आई हैड कि नहीं यार ये एस्तमा तो अनलाइकली है यार एलर्ज एलर्जी में भी एस्तमा जैसे मैनिफेस्टेशन होते हैं तो आई मेन अर्टी के समथिंग नेक्स्ट लाइन द नेक्स्ट लाइन ई साइड chest examination is remarkable for presence of rails bronchospasm histamine to yaar ye to drug allergy ki baat ho rahi ye to drug allergy this is not drug induced asthma ka mcq this is frank drug allergy aur fir bolta hai yaar upar se bp bhi kam ho gaya ye to frank anaphylaxis ho gaya भाई anaphylaxis का feature क्या होता है यार दवाई खाने के बाद में injection लगाया या tablet खाने के बाद में patient को drug allergy develop हो गई और वो ड्रग एलर्जी एनाफालाक्सिस के फॉर्मेट में डेवलप होती है एनाफालाक्सिस में जो फीचर्स डेवलप होते हैं जो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग फीचर होता है आई थिंक सभी जानते हो लरिंगोसैज लरिंगोसम से तो साइनोसिस हो जाता है इमीडियट डेथ हो जाती है जो कि पेनिसिलिन के साथ देखने को मिलता है पर पेनिसिलिन के बाद में अगर आप लिस्ट पढ़ोगे कॉजिंग ड्रग्स की तो वन ऑफ द लिस्ट मैं खासकर कॉक्स वन इनिवेटर्स सबसे कम एनाफेलैक्सिस का इंसिडेंस होता है कॉक्स थ्री के साथ में पैरासिटामोल सबसे ज्यादा होता है कॉक्स वन के साथ में तो कॉक्स वन का ज्यादा होता है फिर कॉक्स टू का फिर कॉक्स थ्री का होता है तो अगर कोई डॉक्यूमेंटेड पेशेंट और बोलता है जी कि कैंसर्ड खाने से एलर्जी होती है तो आप उसको या तो रोफे कॉक्सिप सेलिक ऑक्सेप लिख दो सॉरी कॉक्सिप तो बैन हुए सेलेक् ऑक्सेब या एटोरोक्सेब लिख दो रोफे ऑक्सेब आई होप एवरीबडी इज नोइंग नोइंग बैंड ड्यू टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यूनाइटेड स्टेट्स में सेलेक् ऑक्सेप ज्यादा चलता है हमारे देश में एटोरोक्सेप ज्यादा चलता है दैट्स बिकॉज ऑफ यू नो फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड बायस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट कॉक्स वन एलर्जी वाले को आप कॉक्स टू लिख दीजिए

वैसे तो एनाफाइलिस में ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं तो पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के मैनेजमेंट भी कोलोइड्स और क्रिस्टोलाइड्स बोथ हैव टू बी गिवन अगर आप वैसे बोलोगे मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सबसे पहले क्या दोगे तो मैं बोलूंगा यार डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मुझे मालूम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है तो मैं कोलोड दूंगा लेकिन अभी मेरे को क्लियर नहीं है यहाँ पे डायग्नोसिस की यार कौन सा वाला शॉक है तो मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि क्रिस्टोलाइड फर्स्ट लाइन रिफ्लेक्स होता है यार लो ब्लड प्रेशर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट तो कोलोइड्स होती है डेंगू शॉकड्रो के पेशेंट में आप अलर्ट देते हो बीपी को रेस करने के लिए तो आर स्टिल वन ऑफ अ वेरी गुड चॉइसेस एंड आई थिंक इज तो अ लॉजिकल थिंग टू तो बी डन फॉर द पेशेंट स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन किसी भी पेशेंट को एनाफाला हो जाएगा तो स्टेरॉइड्स देंगे या नहीं देंगे ओके चलिए बाकी चॉइसेस देखते हैं ऑक्सीजन पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है रेल्स हो रहा है तो तो डेफिनेटली है लेकिन उसके बाद में आप अगले चॉइस मुझे लॉजिकली सोच के बताओ देखो ये आंसर अब अब आपको क्लियर हो गया फर्स्ट <laughs> और लास्ट तो डेफिनेटली इन है बाई इफरिन इज द ड्रग और चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनाफेक्सिसनाफेक्सिस इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा एक एमसी क्यू क्रिएट कर दूँ आपके सामने जिसमें पेशेंट को मिसमैचड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अग्जाम्पल ऑफ टाइप टू हाइपर सेंसीटिविटी रिएक्शन टाइप टू हाइपर सेंसीटिविटी रिएक्शन में तो स्टेरॉइड देते हैं बस लेकिन एनाफलैक्सिस में तो स्टेरॉइड का रोल नहीं है दे फोर एम्स में जो क्वेश्चन आसान लगता है उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सो आई मीन क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम्ड होते हैं जब से भी मैं सबसे कुछ से, से बोलता पेपर बहुत अच्छा हुआ तो अच्छा इसलिए हुआ इस कि हमारा परस्पेक्टिव है यार वो तो ठीक है तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में आप आंसर करेंगे द आंसर टू दिस एमसी क्यू वुड बी आंसर्ड एस्टेरॉइड्स द रीजन आई पेंशन वंस अगेन क्रिस्टलॉइड्स देने हैं क्योंकि लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज ऑलवेज गोना बी क्रिस्टलॉइड्स एंड देन देनॉइड्स टू बी गिवन टू द पेशेंट दो देश डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कलॉयड्स कैन बी यूज्ड स्टेरॉइड्स वी डोंट गिव इट वी गिव इट फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप टू रिएक्शन तो अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो मैं सिर्फ इतना याद रखने के लिए बोलूंगा इतना याद रख के लिए, 1, 2, तो अगर आप कभी भी पढ़ते हैं कि जी पेशेंट को दवाई इंजेक्शन लगने के बाद हनी बी के बाइट के, के बाद में हो गया वैस्प के बाइट के, के बाद में पेशेंट को लैरिंग हो गया तो ये तो एनाफा होगा या सी फूड खाने के बाद में पेशेंट को मैनिफेस्टेशन हो गया यही क्लिनिकल दे देगा ना या हनी भी दे देगा दे वेस्ट की बेड दे देगा दे या बोल देगा सी फूड खाने के बाद में लरिंगो स्पेजम हो गए हाइव्स हो गए दैट्स ऑल गोना बी टाइप वन एपिनेफ्रिन यूज करना बहुत बार ऐसा होता है कि एनाफालेक्सिस के पेशेंट में टैकी होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है टैकी कार्डिया के बावजूद भी एपिनेफ्रिन देना है सो एपिनेफ्रिन इज टू बी गिवन इवन इफ देर इज अ मेंशन टैकी कार्डिया इन द एमसीक्यू रिलेटेड टू एनाफालेक्सिस प्लस आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट कि यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज इधर गोना बी सबक्यूटेनियस और इंट्रामास्क्यूलर अगर आपको सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्क्यूलर में सेलेक्ट करना पड़े तो इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इसलिए नीचे बोला क्योंकि सर्कुलेशन पोअर है तो हो सकता है एब्जॉर्ब हो या नहीं हो और अगर बोलता है कि डायलूटेड दोगे या अन दोगे तो अनडायल्यूटेड देंगे सो इट विल ऑलवेज भी अनडाइल्यूटेड डायल्यूट नहीं करना डायल्यूटेड इज ऑलवेज फॉर कार्डिक रेस्ट यहाँ पे हमेशा अनडायलूटेड यूज किया जाएगा सो अन डायल्यूटेड एड्रोलिन और एपिनेफरिन इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स ऑफ एनाफालाइसिस ऑन द अदर हैंड इफ इटॉक्स अबाउट मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप टू हाइपर स्टेराइड टू बी यूज या ऐसे एक क्वेश्चन बना सकता है बाद में पेशेंट को एंटीवेनिन दिया और एंटीवेनिन देने के बाद में पेशेंट को रैश हो गया पेशेंट को फीवर आ गया तो स्नेक बाइट के बाद में अगर एंटीवेनिन देते हो और फिर फीवर रैश आ जाती है तो वो तो हो जाता है सीरम सिकनेस सीरम सिकनेस इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसमें क्या दोगे स्टेरॉइड्स देंगे टाइप थ्री वाले में स्टेरॉइड्स यूज करना है तो स्नेक बाइट के बाद एंटीवेनिन दिया और पेशेंट को सीरम सिकनेस के मैनिफेस्टेशन आगे फिर से स्टरॉयड है तो वन में पी ने है टू और थ्री में स्टेरॉइड्स को यूज करना है मैनेजमेंट के लिए हाँ जी आ, नहीं मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अगर एनाफेलेक्सिस जैसा पिक्चर आ रहा है तब तो आप दोगे अदरवाइज कोई रोल नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में इनफैक्ट इन्होंने पॉइंट पूछा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में एपी देंगे या नहीं देंगे तो हम आइडली जो हम एपी है हमें प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस में नहीं लिखना होता आपने लिखा होता है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम नोट्स डालते हो तो उसमें लिखना होता है इफ़ देर इज़ अ रिएक्शन और रिएक्शन कैसे पता चलती है या तो पेशेंट को रैश हो जाएगी या अर्टिकेरिया हो जाएगा या हाइपोटेंशन हो जाएगा या ब्लैक यूरिन डेवलप हो जाएगा अगर इस टाइप के कोई भी मैनिफेस्टेशन पेशेंट में डेवलप हो गए तो ऐसे पेशेंट का ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करके हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन लगाना एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन नहीं लगाना साथ में आप एवेल दे सकते हो फिनाराविन दे सकते हो फॉर मैनेजमेंट ऑफ द रैश विच इज प्रेजेंट इन द पेशेंट रेफरेंस हारिशन से दिस विल गेट अ सॉफ्ट कॉपी सो विल नॉट गोइंग टू द टेक्स्ट मैटर हियर बट जी प्लीज नहीं, नहीं 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 आप किताब दोबारा से पढ़ना सर जो एनाफोलाटिक शॉक है ना उसमें लिखा हुआ वन इज टू वन थाउजेंड विद डाइल्यूशन नहीं है अनडाइल्यूटेड एमरजेंसी मेडिसिन की एमरजेंसी मेडिसिन की किताब पढ़ोगे तो एक ही इंडिकेशन है अनडेड का

दिस एम सेड कोर्स ट्रेमर्स इन द ट आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो पहले तो यार आपको कोर्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि कब कोर्स बोलेंगे या कब फाइन बोलेंगे तो मैं फ्रिकवेंसी बोल सकता हूँ ऐसे याद कर लेना है कि अगर जो डिस्चार्ज फ्रिक्वेंसी है वाउंड अबाउट सिक्स टू सेवन ट्रेमर्स सिक्स टू सेवन ट्रेमर्स पर मिनट के आसपास की है क्योंकि हर डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है तो एक मिनट में अगर छः से सात ट्रेमर्स हैं या उससे कम हैं दे तो उसका बोलते हैं कोर्स और अगर एट से ज़्यादा हैं आठ से ज्यादा है देन इट इज इंडिकेटिव ऑफ फाइन जो इसेंशियल ट्रेमर होता है इसेंशियल ट्रेमर नर्वसनेस की वजह से फिंगर्स में जो आता है उसकी डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी हमेशा एट से ज्यादा होती है सो फाइन ट्रेमर विल ऑलवेज भी हैविंग अ फ्रीक्वेंसी मोर देन एट कोस ट्रेमर हैविंग अ ऑलवेज लेस देन और मोस्टली लेस देन सिक्स पर मिनट नॉन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी विल लुक एट द वेरियस चोइस विच आर मैं द फर्स्ट चॉइस इज सोनिज्म

थायरोटॉक्सिकोसिस और जर्नलाइज पेरिसिस से देखिए वैसे तो आंसर सबको मालूम ही है लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जर्नलाइज सबको पता होना चाहिए मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोसिफिलिस न्यूरोसिफिलिस में गम्माज होते हैं जो गम्माज होते हैं वो क्या क्या, -क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं पहला वो कर सकते हैं ब्रेन स्टम की इन्वॉल्वमेंट में या तो बल्बर पैल्सी अगर बल्बर पैल्सी कर देंगे तो टंग में फैसिकलेन आ जाएंगे ट्रेमर नहीं आएंगे फैसिकलेन आ जाएंगे अगर यही गम्मा सूडो बल्बर पैलसी कर देंगे तो टंग स्पास्टिक हो जाएगी लेकिन गम्मा कोई रूल तो नहीं ना यार कि सिर्फ ब्रेन स्टेम में ही होंगे अगर गमा मिड ब्रेन में बेजल गेंगलिया के आसपास हो गए तो जैसी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गम्माजम में डेवलप हो जाए अगर में डेवलप हो जाए तो इंटेंशनल ट्रामा कर देंगे आई रिपीट अगेन इज इज अ मैनिफेस्टेशन दैट सीन विद And neurosyphilis is gonna be characterized by presentation of various gammas. These gammas can be involving and could be causing bulbar palsy, it could be causing pseudo bulbar palsy, it could be causing damage to the basal ganglia, contributing to development of resting tremors, or it could be causing cerebellar damage and causing development of intentional tremors. Now, if it will cause involvement of basal ganglia and Parkinsonism-like features, again that will be classified as a coarse tremor.

क्या है Penicillin G, Procaine Penicillin, benz Benzathine Penicillin. Benz Proper benz choice for diagnosis, treatment of neurosyphilis is Procaine Penicillin. Coming to the third one, this I have taught in my routine classes in cardiology, but still I would like to repeat it again.

जब बेबी रोएगा तो ब्लू से ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाएगा वैसे का बेबी तो ब्लू ही होता है ब्लू से बच्चे का रंग बिल्कुल काला हो जाएगा रोने पे क्यों होता है क्योंकि जब बच्चा रोता रो है तो एक्टिविटी की वजह से राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आती है इसको बोलते हैं डायनामिक राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कि जब बच्चा रो रहा है उस टाइम पे राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रही है आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कुछ भी आगे बोलने से पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, लेफ्ट आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी सीन इन कार्डियोमायोपैथी एचओसीएम के पेशेंट में द सेप्टम एंड फ्री वॉल कम क्लोज टू इच अदर एंड द फ्री वॉल कम क्लोज टू इच अदर इट विल नैरो द आउटलेट सो लेफ्ट आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इज सीन इन एचओसीएम एंड राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी सीन इन ऑफ टेट्रोलॉजी फेलेट स्पेशली ड्यूरिंग क्राइंग क्योंकि राइट वेंटिकल आउटफ्लो स्ट्राइक ऑब्स हो जाएगी तो राइट right वेंटिकल का प्रेशर विल बिकम मोर देन दैट ऑफ लेफ्ट देल जिसकी वजह से ब्लड विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और जब डी ऑक्सीड ब्लड राइट से लेफ्ट में जाएगा तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ सिवियर साइनोसिस इन द चाइल्ड टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है प्लेस द बेबी इन नी चेस्ट पोजिशन जब आप बेबी को नीचे इस पोजिशन में डालते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि नीचे पोजिशन में डालने से फेमोरल आर्टरी कंप्रेस हो जाती है और अगर फेमोरल आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी तो द कंप्रेशन ऑफ द फेमोरल आर्टरी विल कॉज इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इफ देर इज इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू टू द शंटिंग दैट वाज अकरिंग फ्रॉम राइट लेफ्ट डिक्रीजेस So Nietzsche's position is a favorable position for patients with Tetralogy of Phallus if they develop a Tet spell because it causes increases in peripheral resistance, increase in left ventricular pressure and reduces the shunting that is going to be occurring from right to left and therefore the Tet spell will be abolished. Tet spell can be precipitated by, for example, you gave a DPT vaccine to a baby with Tetralogy of Phallus. You very well know DPT vaccine causes excessive crying. And due to excessive crying, there can be precipitation or Tet spell in the baby. The first reflex of the mother would be to pick up the baby and put him to the shoulder. You would tell the mother, Don't do that. Don't put the baby to the shoulder. Let him lie, lie on the crib. And you, as a doctor, what would you do is that you would press the knees of the baby against his chest, which will compress the femoral artery and will also contribute to increase in pressure in the left and thereby reducing the shunting that is normally occurring. So, knee chest position is the first thing to be done. Drug of choice for treatment of a Tet spell is morphine, because when you will sedate the child morphine will contribute to development of uh, relaxation of the spasm of the infundibulum plus it will also contribute to sedation and is the drug of choice you also need to give beta blockers to these patients because beta blockers will decrease the heart rate reduction in heart rate will preserve oxygen and oxygen is in short supply that is why the baby is becoming blue you need to give soda bicarbonate to the baby because he is having metabolic acidosis and you need to give any agent that is going to increase the blood pressure of the child

ये कंसेप्ट मैंने दोबारा रिपीट किया है वो ऑलरेडी टोल्ड यू लेट्स लुक एट द चॉइसेस नाउ द स्पेलिंग माइट बी अ लिटिल ऑफ वे बट इशू इज इज अ एजेंट दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सो इफ इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर सो मिथॉक्सामिन की जगह पे ही गिव इन द चॉइसेस बट फिनाल ड्रिप विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रेशर प्रोपर जस्ट गोना डिक्रीज द हार्ट रेट कंजर्व ऑक्शन फॉर द चाइल्ड Though we are having the answer, let's not rush into the answer. Let's look at the last choice. I told you, soda bicarbonate is going to be given for metabolic acidosis in the child. Therefore, the answer to this MCQ, remember, is calcium chloride. Calcium chloride is not required for management of patients who are suffering from a tet spell. I repeat once again, tet spell is usually seen on excessive crying. The baby turns literally from blue to black. The significance of knowing the fact that baby can turn black is. That he can develop a brain infarction. The significance of turning from blue to black is he can develop a brain infarction. If you read old MCQs of All India PG, you will come across a question that said that brain abscess in a baby or tetralogy of Fallot is seen where? Listen to this with an objective mind. I'm having an answer there also. Most common cause of brain abscess in children is CSOM, and CSOM normally causes involvement of the temporal lobe. However, in a tet spell, if a brain abscess will develop. इट विल डेवलप इन दट पर्टिकुलर एरिया विर द ब्लड सप्लाइज कॉम्प्रोमाइज मैक्सिम एंड द बिगेस्ट ब्लड वैसे इन द ब्रेन इज मेडल लॉटरी दट सप्लाईज दराइटल लोम सो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के पेशेंट्स में जो ब्रेन एफ्स बनता है वो टेम्परल लोम में नहीं बनता है जो कि बच्चों में रोटीली मोस्ट कॉमन साइट है ब्रेन एफ्स की जो साइट या लोकेशन है टेट्रोल ऑफ फैलेट के बेबीज में दट इज गाइटल लोम सो द क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी आस्क टू यू फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट इज अन एस मैनीफेस्टेशन आपने याद रखना है कि टी ओ एफ के बेबीज मेंजिया हो जाता है टी के बेबी में हेमीप्लीजिया हो सकता है आपको क्लिनिकल क्वेश्चन दे दे कि जी साइनोटिक हार्ट डिजीज का डायग्नोस बेबी है और उसको हेमीप्लीजिया होगा डायग्नोसिस क्या है तो आप आंसर करोगे बेबी को ब्रेन एप्स है या ब्रेन इन्फॉक्शन प्रेजेंट है और ब्रेन एप्सेस और ब्रेन इफेक्शन का जो रीजन है दैट इज बेसिकली हाइपोक्सिया रिलेटेड टू अ असल अकरिंग इन द चाइल्ड एक और पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बेबी में बर्थ से ही हाइपोक्सिया है सो व्हाट विल हैपन टू लेवल्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इन द बेबी इंक्रीज सो व्हाट विल हैपन टू आरबीसी मास

और नेजमेंट ऑफ टेट्रोलट मान लीजिए आपने डायग्नोसिस बद से पहले बना लियाल से ही होता है सो इन दो सर्मस्टांस टू बूज ऑलवेजी एल एंड देन वी विल गोइंग फॉर पेलिएटिव सर्जरी Palliative surgery that we will be doing is known as Blalock Tossic Shunt. Where in Blalock Tossic Shunt, we will be connecting the subclavian to the pulmonary artery. And definitive surgery will be done beyond 2 years of age. So Tetralogy of Palliative clinical presentation that I mentioned earlier also. This is reference from Harrison. You can read up at home. I will not waste time on that. I have explained uh, the issues there. I have just copied the text. Uh, okay. Before I come to this, I would like to remind you again. If you get a question that says synosis uh, in a baby on day zero of life, it's gonna be tricuspid atresia, and day seven of life is gonna be tetralogy of yeah. Most common synotic heart disease that you always come across is tetralogy of Most common synotic heart disease is tetralogy of If you read a question that says a baby at birth is having synosis with CHF.

वैसे तो यार ये रिपीट क्वेश्चन है वैसे तो ये रिपीट क्वेश्चन है पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिफरेंस था लेकिन जो हमने बुकलेट आपको प्रोवाइड करी थी पिछले में उसमें ये क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में अगर आप वर्ड पढ़ते हो पेरियास्ट्रियल रिएक्शन एंड बोन डिस्ट्रक्शन तो पहली चीज माइंड में आती है इन्फेक्शन ऑस्टियोम सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है बोन ट्यूमर बोन ट्यूमर में भी पेरियास्ट्रियल रिएक्शन हो सकता है बेबीज में अगर बोन ट्यूमर देखा जाए तो बोन ट्यूमर अगर अगर मैं ऑस्ट्रियो की बात करूँ तो मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो टिबिया की होती है उसके बाद में फीमर की होती है

When it comes to osteosarcoma. Have choices they take. What is the next investigation to be done? Choices were bone biopsy, bone scan, blood culture, and a CT scan. The point to be understood is that whenever you are having a periosteal reaction, you need to rule out osteomyelitis And osteomyelitis is an infection, so for infection purposes, you need a tissue diagnosis, you need to aspirate the pus. So in this case, what I will do is I will take a needle, or maybe a 16 gauge, without local anesthesia. I will put it at the point of maximum tenderness, which is present in this child, and I will try to aspirate the pus. Even if it is a, even if it is a negative aspirate, aaya fir bhi fir bhi this is the next best investigation to be done for these patients so as the question mentioned what is the next investigation to be done for this particular case that is for diagnostic purposes from the four choices that i have made before me i can give reference of nelson which is given in the next, line, in the next slide but the answer to this should be remembered as bone biopsy so bone biopsy is the main test or is, a, is a, the next test to be done and this will help you in confirmation of the diagnosis when it comes to other choices like a bone scan well that's the reference i mean this is what uh, Nelson says. It says, uh, these are the lines, I mean, direct, directly. Aspiration for gram stain and culture, when the history and physical findings indicate a strong likelihood of osteomyelitis remains the definitive diagnostic technique and provides the optimal specimen for culture to confirm the diagnosis. So for suspected osteomyelitis, a steel needle is needed to penetrate the cortex into the metaphysis. If passes is encountered in the superior space, there is no need to go further.

हाँ यहाँ पे तो इस चॉइसेस के साथ तो सीटी है वरना एमआरआई है बच्चों में कभी भी ये रूल याद रख लो और ये आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि सीटी बच्चों में कभी नहीं आंसर करना ऑर्थोपेडिक्स के एमसी में क्यों क्योंकि यार आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है बच्चे को थोड़ी ना आयोनाइजिंग रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं एम से जब आपको इवेडेंस मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से तो खासकर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इमेजिंग में सीटी स्कैन इज नेवर टू बी गिवन एज अ डायग्नोसिस लॉट ऑफ पीपल आई मीन रेडियोलॉजी पीपल दे मैट बी यू नो मेंशनिंग एनीथिंग, लेकिन मैं आपको क्लिनिकल वर्ग बता रहा हूँ सर नेल्सन जो टेस्ट बुक है ये एक्चुअल प्रैक्टिस की मेडिसिन प्रैक्टिस की किताब है कि एक्चुअली हम करते क्या

फर्स्ट टेस्ट क्या होगा वो मैं अगले एमसीक्यू में बताऊंगा लेकिन आपसे कभी भी पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के क्वेश्चन में इमेजिंग मोडालिटी पूछता है एम आर आई इज ऑलवेज द आंसर इन सी स्कैन इज ऑलवेज आउट बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रिस्कनाइजंग रेडिएशन इन चिल्ड्रन एज फार एज प्रैक्टिस एंड द रूटीन गाइडलाइंस आर कंसर्न कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज रिमेंबर फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑस्ट्रीमलाइटिस यू नीड अ टिश्यू डायग्नोसिस एंड टिश्यू डायग्नोसिस इज मेड विद हेल्प ऑफ अ बोन बायोप्सी बोन स्कैन कब करते हैं तो बोन स्कैन इस एमसीक्यू में बाहर इसलिए होगा क्योंकि बोन स्कैन करा जाता है टू रूल आउट मैटास्ट टू बोन

ओके okay, में में नहीं, नहीं है आपने लॉजिक बिल्कुल ठीक बोला कि यार हमें इमेजिंग करनी चाहिए आपका थॉट प्रोसेस ठीक है यार कि देखें यार कि है क्या क्या ट्यूमर है पेशेंट को या पेशेंट को ऑस्टिटिस है लेकिन सिटी ही नहीं है किताब में दैट इज दिल रीजन उसने उसको यहाँ पे इंक्लूड अगर वो बोलता है इमेजिंग मोडालिटी तो आप अगर एम्स नवंबर 2012 हजार बारह के एमसीक्यू करोगे और आपका अगर आप मेरा पिछले साल की हैंडबुक आप यहाँ से भी लोगे ऑफिस से तो उस वाले में जब मैंने सॉल्व किया था तो उसमें यार जो क्वेश्चन मुझे लड़कों ने बताया था वो था इमेजिंग क्या करोगे तो इमेजिंग का आंसर जो है वो तो एमआरआई है और उस एमसीक्यू में चोसेज में एम था इमेजिंग मोडालिटी एम्स वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक करता है इस बार बोलता है डायग्नोसिस कैसे करोगे तो यहाँ पे तो डायग्नोसिस रहना यार नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो भाई मरीज आए यार तो नेक्स्ट क्या करोगे डायग्नोसिस ही तो करोगे ना यार पेशेंट आ गया आपके पास में तो That would be answered as a bone biopsy aspiration for the patient. I hope that satisfies your query. Okay, that's an interesting one CML in children. Translocation between the long arm of chromosome 9 and short arm of chromosome 22. I really don't know why, why people said this is the right statement because, sir, it is long arm of both chromosomes. It is not the long and long, it is long of 22 and long of 9. इट इज नॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट किसी का शॉर्ट नहीं होता ये लॉन्ग एंड लॉन्ग ये होता तो फ़िलाडेल्फिया का क्राइटेरिया है कि लॉन्ग ऑफ नाइन एंड लॉन्ग ऑफ ट्वेंटी टू तो ये स्टेटमेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट है क्रोमोजोम तो में जो प्रोटोकोजिन बनता है उसका नाम होता है बीसीआर बीसीआर एबीएल के फुल बीसीआर होता है ब्रेक चेन क्लस्टर ब्रेक चेन क्लस्टर और ए बी एल होता है एबल्सन म्यूराइन लकीमिया वायरस सो बी सी एल ए बी एल इज बी सी आर ए बी एल इज द प्रोटो ऑक्कोजीन बी सी आर की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्रेक चेन क्लस्टर ए बी एल हो जाएगा एबल्सन म्यूराइन जीन करता है क्या है जी टायरोसिन काइनेस को इनोबेट करता है टायरोसिन काइनेस क्या करता है टायरोसिन काइनेस इज लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो टायरोसिन काइनेस जो एंजाइम है उसकी अनलिमिटेड एनर्जी की वजह से तो सेल मल्टीप्लाई करता है सेकंड ये बी सी क्या करता है इट इनहिबिट्स एपोप्टोसिस अगर हो जाएगा एपोप्टोसिस क्या होता है यार तो यार सेल, सेल कभी डेथ ही नहीं होगी यार तो देखो आपको मैंने बताया कि एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहाँ पे सेल की कभी डेथ नहीं होगी और सेल इनविंसिबल हो गया क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई करता रहेगा टायरोसिन कहीं से न्यूक्लियर रिएक्टर के जैसे काम करेगा तो एनर्जी दे रहा है और सेल का भी मरेगा नहीं तो बार बार मल्टीप्लाई करता रहेगा सो so, अगर आपने इस कैंसर को किल करना है तो यू नीड दो हिट द कैंसर वेर इट हर्ट्स द मोस्ट एंड दट इज बी द एंजाइम अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी एनर्जी नहीं मिलेगी तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तभी आप टायरोसिन टैरोसिनकाइनियस इिवेटर को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ट्रीटमेंट और चॉइस इज टायरोसिन टाइरोसिनकाइनियस इिवेटर विच इज द राइट डेफिनेटिव स्टेटमेंट हेयर इमेटनिब मैसेलेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक माइरोडिकीमिया पहले एल्फा एल्फा इंटरफेरॉन यूज करते थे लेकिन अभी वी मेनली यूज टायरोसिन काइनेज इनवेटर एक पॉइंट यहां पे बोलना चाहूंगा कि क्रॉनिक मैल लखीमिया के कई